हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जिस वायरल स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, आप यहाँ पर अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहे इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कैनमास्टर ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके कैनमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कैनमास्टर ऐप को ओपन करना है। कैनमास्टर ऐप ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए पर्सनल ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नया रेसो की साइज को सिलेक्ट करना है। आपको लेफ्ट साइड में सेटिंग वाला आइकन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है डिफॉल्ट डायरेक्शन ऑफ अ फोटो क्लिप, आपको इसकी डायरेक्शन को 0.1 पर कर देना है। इस तरह से आपको इसको 0.1 पर कर देना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गाइस, यहाँ से आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी फोटो के किसी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 15-20 वॉलपेपरों को इसमें सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा वॉलपेपर नहीं है तो आप रिपीट करके भी अपने वॉलपेपरों को या फोटोओं को सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 15-20 वॉलपेपरों को इसमें सिलेक्ट कर लिया है। आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिला है इफेक्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिला है गेट मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे छठे नंबर पर एक ऑप्शन मिल रहा है लेंस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फर्स्ट में ही मिल रहा है बिगनेट, इस वाले इफेक्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड वाला, इस पर आप क्लिक करके इस इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस इफेक्ट को पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, इस वाले इफेक्ट को आपको लगा देना है। यहाँ से आपको इसको डन करना है। आपको इफेक्ट को फुल स्क्रीन में खींच कर इस तरह से लगा लेना है। लगाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिला है सेटिंग वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को थोड़ा सा कम कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ से इसको डन कर देना है। गाइस, आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक इफेक्ट को इसमें सिलेक्ट करना है। गाइस, इस वीडियो को बनाने में जो भी मटेरियल यूज होगा आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी इफेक्ट साउंड वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इफेक्ट को इसमें सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको इस तरह से इफेक्ट को इसमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में लगा लेना है। आपको यहाँ से नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे इफेक्ट वॉलपेपर में लग चुका है। अब गाइस, आपको इस वीडियो को यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी ये वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। इस तरह से आपको वीडियो को सेव करना है। सेव होने के बाद आपको डायरेक्ट बैक आना है। डायरेक्ट आपको बैक आना है। फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद नॉन रेसो 60 की साइज को सिलेक्ट करना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड को इसमें सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। आपको ब्लैक बैकग्राउंड की लेयर को इस तरह से आपको इसकी डायरेक्शन को 5.2 पर इसको कर देना है। इस तरह से यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपने जो वीडियो अभी गैलरी में सेव की थी यहाँ पर आपको उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको दो बार उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको फर्स्ट पोजिशन पर आना है। लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक वीडियो क्लिप को इसमें सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको वीडियो क्लिप को इसमें सिलेक्ट कर लेना है।
सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में लगा लेना है। इस तरह से आपको इसको फुल स्क्रीन में लगा लेना है। गाइस आपको यहाँ से नीचे जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को इसमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। स्क्रीन वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको इसको डन करना है। लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको बॉर्डर लाइन को इसमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको कैची के ऑप्शन के बगल में एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको बॉर्डर लाइन के लेयर को खींचकर वीडियो क्लियर के बराबर कर देना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आपको बॉर्डर लाइन के लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिला है इन एमिनेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वाइप अप, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देना है। इस तरह से आपको इसको 4.5 पर इसको कर देना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। हम वीडियो को चला कर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो गाइस आप इसी तरह से अपनी फोटो या किसी भी वॉलपेपर को लगाकर रील्स, वायरल, ट्रेंडिंग, स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।